बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गले का बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसमें न्यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये लेस होगी और ये पट्टी होगी। हम एडिशन कुछ नहीं करेंगे। जो गला हमारी शर्ट के ऊपर पीछे से प्रिंट में आया है, उसी गले को हम बनाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हमारे पास शर्ट के ऊपर पीछे से कोई प्रिंट आए तो उसके ऊपर हम गला किस तरह बनाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा अपने गले को किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो आप सबने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इसमें इस्तेमाल करेंगे हम इस लेस का, इस बॉर्डर पट्टी का जो हमारे ड्रेस में से निकली है, क्योंकि ये बॉर्डर पट्टी और ये लेस हमने दामन पर स्लीव्स पे लगाई है, इसीलिए इसे हम अपने गले के अंदर सेट करेंगे, मगर पीछे से जो गला बना हुआ है उसी के अंदर सेट करेंगे। किस तरह करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारी शर्ट और यह है वो गला जो पीछे से हमारे बॉर्डर में आया है, मतलब उन्होंने हमें पीछे से इस तरह गला दिया है। तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? अगर हम इसको कट करते हैं, पाइपिंग करते हैं, लेसेस करते हैं, सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ड्रेसेस में ऐसा होता है पीछे से गला प्रिंट में आता है तो नहीं समझ आता। आज मैं इसी गले को सेट करूँगी, किस तरह करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये है इसका दामन, दामन के ऊपर वो बॉर्डर लगाया चौड़े साइज़ में और ये लेस लगाई है। तो हमने इस दोनों चीज़ों को इसके ऊपर सेट करना है। तो कुछ सेट हम इस तरह करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये है वो पट्टी, अब करना इस तरह है इस पट्टी को। अच्छा, इस पट्टी के अंदर मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई, ना जीरो की बुकरम है ना रेगुलर बुकरम है। जिस तरह ये लॉन की पट्टी थी, इसी तरह मैंने प्रेस की मदद से दोनों साइडों से इसको नीट कर दिया है, इसलिए क्योंकि हमारी लॉन की शर्ट है, अगर हम इसके ऊपर बुकरम लगाएंगे तो ये पट्टी थोड़ा सा थिक हो जाएगी, जो पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो गले के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी लगानी है, तो मैंने बुकरम स्किप कर दिया है। आप सबने भी बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह सेट करना है। हमने वी के ऊपर वी ही शेप में पट्टी देनी है, ताकि हमारी पट्टी भी आ जाए और हमारा जो पीछे से हमें प्रिंट दिया गया है वो भी आउट नहीं हो। और इस लेस को हमने लगाना है ये इस कपड़े के ऊपर, ताकि ये जो हमारी लेस है ये नुमाया हो। ठीक है, अब इसे किस तरह सेट करेंगे, हमारी पट्टी में झोल भी नहीं आए और हमारी लेस और पट्टी भी एक साथ लग जाए, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये लीजिए, अगर हम अपनी पट्टी को इसके साथ लगाते तो फिर हम अपनी लेस को इस तरह सेट करते तो नीचे से जो है हमारा ये वाला लाइट कलर छलकता। देखें, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, तो इससे हमारी जो लेस की फिनिशिंग है वो निकल के नहीं आ रही। ये छोटी छोटी, बहुत छोटी बारीकियां होती है, बाज़ दफ़ा तो हम नोट भी नहीं करते, मगर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। हमारी जो लेस है वो इस कलर पर आने चाहिए, ताकि लेस का जो कलर है वो अच्छी तरीके से हमें मालूम हो। तो पहले हम इस पट्टी को इस लेस के साथ इस तरह सेट करेंगे, उसके बाद आगे चल के हम इस पर गला बनाएंगे। गला किस तरह बनाएंगे और कौन सा बनाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इस पट्टी को हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आकर एक बात आपने और समझनी है, पहले हम इस लेस को कर देंगे साइड। ठीक है, हमारी ये जो पट्टी है, ये टी पिंक वाली हमारी जो पट्टी है, ये थोड़ा सा इन्होंने इस तरह दिया हुआ है कटवर स्टाइल में, तो हमने पट्टी को बिल्कुल इस तरह सीधा रखना है। इस तरह अपनी पट्टी को सीधा रखेंगे और चौक की मदद से हल्के हल्के से इस तरह निशान लगा देंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें पट्टी इस तरह सीधी लगानी है। अंदाजे के तौर पे हम दूसरी वाली पट्टी को भी इस तरह रखेंगे। पहला काम तो हो गया कि हमने चौक की मदद से अपनी पट्टी का सेंटर ले लिया कि हमें सीधी सीधी पट्टियां लगानी है। अगर आप लोग न्यू हैं, आप लोगों से इतने बड़े गले पे के ऊपर बॉर्डर पट्टी नहीं संभलेगी, तो डियर आपने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। आपने पहले से फैब्रिक ग्लू लगा के इस पट्टी को चिपकाना है, उसके बाद आपने सिलाई करनी है। तो आपकी जो पट्टी है वो टेढ़ी सीधी नहीं होगी, मगर मैं इस पर फैब्रिक ग्लू नहीं लगाऊंगी, मेरा तो रात दिन का काम है। मैं इसी पट्टी को यूं ही सिलाई के साथ लगा लूंगी और बाद में इसके अंदर हम इस लेस को सेट करेंगे।
हमने लेस में नोक वाले पॉइंट पर आकर हल्के हल्के से कट लगाने हैं और इस तरह हम लोग टर्न करके देखना है, बस यहाँ तक कट लगाने हैं। अब इस नोक को हल्का सा खोलेंगे, इस तरह इसे कट करेंगे कि हमारा जो है हमारी शर्ट कट नहीं हो। तो लेस और पट्टी लग गई है, अब इसे करेंगे प्रेस ताकि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो बैठ जाए और पट्टी के अंदर जो भी झोल सरवट है वो निकल जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई झोल कोई सरवट नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी लेस इसके ऊपर आ गई। अब बनाते हैं इसके बीच में गला, और गला भी कुछ यूनिक सा बनाते हैं जो इसके बीच में सूट करे। तो शर्ट को करते हैं फिलहाल साइड, और ये जो बीच के अंदर इसके ब्राउन कलर का पीस आ रहा है वी में, इसी के अंदर हमें गला डिसाइड करना है। तो गला हम सिंपल सा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक बुकरम का पीस। बुकरम की पीस की लंबाई और चौड़ाई आपको बताऊंगी। लंबाई है इसकी 9.5 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 4.5 इंच। एक निशान इसका लगाएंगे 3.5 इंच पर, दूसरा निशान भी 3.5 इंच पर। इनको सीधा कर लेंगे। एक निशान हम इसका लगाएंगे 7.5 इंच पर, इसे सीधा कर देंगे। एक निशान हम इसका लगाएंगे 6 इंच पर, इसे भी सीधा कर देंगे। अब एक निशान हम इसका लगाएंगे 1.25 इंच पर। इस 1.25 इंच वाले निशान को इस निशान से मिलाकर वी शेप देंगे, और अब यहां से हम इसको राउंड शेप देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डायमंड नेक। अब हमने इस गोल को कट करना है। सिर्फ मैंने गोल गला कट किया है, वी को कट नहीं किया। अब इसको शेप दे देंगे। अब इसे हम गरारी की मदद से वी को थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो ये हमारा दूसरे साइड पर निशान आ गया है, इसे चॉक की मदद से शेप देंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इस बुकरम को कट क्यों नहीं किया। अगर हम इसको कट कर देंगे तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम आती है जो हर गले के साथ होती है। तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपकाएंगे। अब हमने करना कुछ इस तरह है, अपने गले के ऊपर एक रफ स्टिच करेंगे। सिर्फ हमने सिलाई वी के अंदर लगानी है, पूरे गले पर नहीं लगानी। अब इसको इस तरह पलट लेंगे। और मैंने बनाए हैं ये डोरी लुप्सिस डोरी, और अगर आप लोग बारीक डोरी सीखना चाहते हैं, वैसे तो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको नए तरीके से सिखा भी दूंगी। अब हमने इन लुप्सिस को नीचे से लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि शर्ट के अंदर हमारा थोड़ा सा आतिशी है, तो हम इसके अंदर आतिशी टच देना चाह रहे हैं।
मैंने इसके अंदर एक वी साइड पे टोटल 8 लूपसिस लगाए हैं और बिल्कुल साथ साथ लगाए हैं, गैप नहीं दिया। अब हमने गले के सेंटर में अपने बुकरम वाले गले का सेंटर मिलाकर एक रफ स्टिच करनी है और बहुत ध्यान देना है कि आपने इसकी सेटिंग आउट नहीं हो, वरना आपका सारा गला आउट हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमारा गला बनकर हो गया है रेडी और फुल लुक है आपके सामने। मैंने किस तरह इस गले को सेट कर दिया। अगर हम इसके ऊपर कोई भी अपनी चॉइस का गला बनाते, इस पर पाइपिंग देते या इसे कट करते तो सारा गला आउट हो जाता, ये लुक नहीं आती जो हमें लुक चाहिए थी। अगर आपके पास इस तरह का कोई ड्रेस है जिसके ऊपर पीछे से प्रिंट आया हुआ है तो आपने उसी तरह इसको लुक करना है जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है, इसी की बॉर्डर पट्टी के साथ इसको एक न्यू लुक में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा हो। और उसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए हमने ये पिंक लुप्स लगा दिए क्योंकि हमारे ड्रेस के दामन के अंदर पिंक कलर था, तो हमने इसका भी इंतखाब किया। उसी बॉर्डर से मैंने ये लुप्सेस बनाए हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। और देखिए, लेस में कहीं पर भी झोल नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपनी राय का इजहार जरूर करना है। उम्मीद करूंगी अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए आइडियाज और एक नए गले के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो। और जो लोग मेरे रेगुलर देखने वाले हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सब्सक्राइबर मेरी ऐसी हैं, बहुत बहुत स्वीट सब्सक्राइबर हैं। उन्हें जब मैं छोटे पीसेस पर सिखाती हूँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप ही आप छोटे पीसेस के ऊपर इतनी मेहनत करती हैं, तो आपकी मोहब्बत का मेरे लिए एहसास करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए मैं ये मेहनत करती हूँ, छोटे छोटे पीसेस पे सिखाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि नया डिज़ाइन आप सबको सिखाना होता है तो बड़ा ड्रेस जो है उसके ऊपर नहीं बनाना होता वो गला, इसीलिए मैं छोटे पीसेस का इंतखाब करती हूँ। अच्छा ये लगा कि आप सब ने मेरा एहसास किया, आप सबको फील हुआ कि आप ही हमारे लिए मेहनत करती हैं। कोई बात नहीं दिया, बस आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, वॉच करना है, सीखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको आसानी पेश आई या मुश्किल पेश आई। मैं मिलूंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।